बात मध्य प्रदेश की सियासत की करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें सिंधिया की जरूरत नहीं है, अगर वे इतने बड़े तोप थे तो ग्वालियर का महापौर चुनाव क्यों हारे, मुरैना का महापौर चुनाव क्यों हारे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई गांव किसी पार्टी की जागीर नहीं रही है, अब लोग अपनी सोच से अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, वोट डालते हैं। वो जमाना गया जब हम कह सकते थे कि ये गांव कांग्रेस का है, ये गांव बीजेपी का है। आज कोई परंपरागत गांव या मकान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, सब में अपनी सोच है। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे, ये बताइए मुझे। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल। इतना ही नहीं, आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का विवादित बयान जैसे ही सामने आया, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उन्होंने पुलिस और अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दे डाली। कमलनाथ ने 8 महीने बाद हिसाब कर लेने की भी धमकी दी। दरअसल वो निवाड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने साफ कहा कि 8 महीने बाद चुनाव है और उसके बाद सबका हिसाब होगा। 8 महीनों में चुनाव है, आक्रमण रहिएगा, अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे। और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग समझ सुन ले, कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी अब जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उनका यह कहना है कि जातीय जनगणना से प्रदेश की असली तस्वीर सामने आएगी। मैं सोचता हूं आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं होनी चाहिए। हम किस चीज से डर रहे हैं, किस क्या छिपा रहे हैं, ये तो फौरन फैसला करना चाहिए कि जातिगत गणना कर ले। आज हमारे प्रदेश में कितनी विभिन्नता है, बुंदेलखंड को लीजिए, महाकौशल को लीजिए, कितनी विभिन्नता है, विंध्य लीजिए, ग्वालियर चंबल लीजिए, और ये सब बातें जनगणना में सामने आ जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर पलटवार किया। विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं, दबाव की राजनीति करने का उनका इतिहास रहा है। विश्वास सारंग ने ये तमाम बातें हमारे संवाददाता अमिताभ अनुराग से बातचीत के दौरान कही। चुनाव में 10 महीने बाकी है मध्यप्रदेश में, लेकिन सियासत गर्म हो चुकी है। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है, तंज कसा है कि वो कोई तोप नहीं है, अगर होते तो चुनाव जितवा सकते थे। बात करने के लिए सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं, कैलाश सारंग जी, उनसे बात करते। सर, तोप नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, ये तो कमलनाथ जी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। ये कमलनाथ जी का बेईमानी की जो उन्होंने सरकार चलाई और उसके खिलाफ जिस प्रकार से जनता का रुख और उनके स्वयं के विधायकों का रुख था, उस फ्रस्ट्रेशन में कमलनाथ जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और देखिए, कमलनाथ जी का इतिहास यही रहा है, दादागिरी करना, दबाव की राजनीति करना। और उनके इस बयान का ज्योतिरादित्य जी ने माकूल जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि तोप और तोप के 15 महीने क्या थे, ना सरकार चलाई, ना कानून व्यवस्था बनाई, ना जनता का हित किया, केवल भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार के माध्यम से मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की। कमलनाथ जी की सरकार की इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं थी। 8 महीने में कहा उन्होंने, 8 महीने में चुनाव है, अधिकारी पुलिस अधिकारी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल। इतना ही नहीं, आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सबको कहा चेतावनी, दबाव की राजनीति करना, ये कमलनाथ जी की आदत है। सेठ कमलनाथ जी और क्या करेंगे, ये पैसे का गुरूर है, ये सत्ता का मदमस्त होने का गुरूर है, और इस तरह दबाव की राजनीति बनाकर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में दबाव, बदमाशी, गुंडागर्दी, इसका कहीं स्थान नहीं है। कार्यपालिका अपना काम करती है,
न्यायपालिका अपना काम करती है और विधानपालिका अपना काम करती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और इस तरह की दबाव की राजनीति कमलनाथ जी करेंगे तो ये बहुत उचित नहीं है। पंचांग के सहारे लग रहा है आपको, पंचांग में बताया था तो खुश थे जो राम मंदिर का विरोध करते हो, जो हिंदू मतावलंबियों का विरोध करते हैं वो पंचांग की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह के शगुफेबाजी का बहुत फायदा नहीं मिलता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।